बहुत ग्रो कर रही है, लेकिन आप माशाल्लाह, क्योंकि और वर्ल्ड रिकॉर्ड्स यार, मुझे ये बताएं जहांगीर भाई, मुझे अपना शुरू बताएं कि आपने आगाज़ इस गेम का किस तरह किया, जबकि मैं समझता हूँ कि हमेशा से पाकिस्तान में, मैं क्रिकेट का तो सब दुनिया दीवानी है और क्रिकेट में खुद लोग आके खेलना शुरू करते, लेकिन आपने जो शुरू किया, हाउ डिड आई मीन ऑब्वियसली योर फादर वाज इन दिस एज वेल, लेकिन बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही था, क्योंकि आपको तो पता है मेरी फैमिली बैकग्राउंड इसमें काफ़ी मतलब शुरू से रही है, और मेरे वालिद साहब भी खुद वर्ल्ड चैम्पियन रहे, फिर मेरे चाचा वगैरह सारे, तो उन्होंने जब डोमिनेट किया है 1950s में, जब सब पाकिस्तान को सिर्फ बने हुए 3 साल हुआ था, तो वो एक जो कहते हैं ना बात सेट कर दिया, सेट कर दिया, ठीक है, तो वो उसकी वजह से फिर पूरी फैमिली में जितने भी बच्चे जो आ रहे थे, वो उनको लुक अप टू करते थे कि जिस तरह उन्होंने किया, स्ट्रगल की और बाहर गए, फिर सारी चीज अचीवमेंट की, बिल्कुल, तो वो चीज़ें जो है ना फिर वो बच्चों में भी आती गई, ट्रांसफर होती गई। और सबसे बड़ी एडवांटेज ये थी कि जो कोचिंग के लिहाज से कह लें या गाइडेंस के हवाले से कह लें, तो हमें ये प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि जो चीज़ मुझे पूछना होता था या जो चीज़ करनी होती थी, वालिद साहब वाज देयर एंड गाइडेंस थी, गाइडिंग दे, मगर ये कि इसमें मेहनत बड़ी थी और हर एक ने अपनी जगह पे मेहनत बहुत की है। सो पर्सनल एक रिसोर्स होता है या एक हेल्प होती है पूरे सोसाइटी में कहीं ना कहीं, या गवर्नमेंट की कोई सपोर्ट होती है, आपने अपने ओन पे सारा कुछ किया जो भी किया? बिल्कुल, आज भी ऐसी है। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि गवर्नमेंट से कभी भी इतनी एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए, सपोर्ट नहीं मिली है, ठीक है, जितना उसको मिलना चाहिए था। सही, देखे ना आप, अगर 30 साल वर्ल्ड चैंपियन रहे हो, जी हाँ, 30 years is not a short मतलब period. यार, it hasn't happened anywhere. उसके बदले में वो चीज़ नहीं मिली जो उसको मकाम मिलना चाहिए था। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि स्कूल, कॉलेजेस, एकेडमीज वगैरह बननी चाहिए थी, ताकि और भी बच्चे आ सकते और पब्लिक लेवल पे ला इस गेम को बहुत पुश देना चाहिए था, क्योंकि हमारे यहाँ पे बहुत चैंपियंस और बहुत अच्छे प्लेयर्स भी हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल। जंगे भाई, ये भी एक रीजन है कि आगे हमारी जो स्क्वाश है वो उस तरह ग्रो नहीं की। एग्जैक्टली, नहीं देखिए, इसमें जब आप एक चीज़ बना लेते हैं तो उसके लिए फैलाना जो होता है फिर गवर्नमेंट का काम होता है, फेडरेशन का काम होता है कि जो उसको उसको जाल फैलाए हर जगह पे, क्योंकि इस वक्त हमारी जो गेम है ना वो इनकी तरह गेमों की तरह नहीं कि गली कूचे में आप खेल लें। सही, हैव टू हैव अ प्रॉपर फैसिलिटीज फॉर दैट। राइट, तो जब वो चीज़ें आप कहीं फैसिलिटीज नहीं, और आज बच्चों को अगर आप लेके जाएं सारे प्राइवेट क्लब में है, बिल्कुल, बिल्कुल। ऐसी पब्लिक कोर्ट्स तो है नहीं कि जहाँ पे बच्चे जाके खेल ले रैंडमली, बिल्कुल। ये चीजें आपको रिक्वायर होती हैं जब आप किसी पब्लिक लेवल पे बच्चों को लेकर आते हैं, ठीक है, और ये फैसिलिटीज सब तक पहुंचनी चाहिए, तो फिर आपका ये मकाम बढ़ता है। बिल्कुल सही, वेरी इंपॉर्टेंट। बकार भाई, आप लोग तो यार, जैसे उन्होंने बोला कि हम निकलते हैं और बचपन में अगर क्रिकेट नहीं खेला तो इसका मतलब होता है कुछ भी नहीं किया, और वो बड़ी हैरत, जब मैं आई वॉज इन यूके तो मैं जब आया पाकिस्तान तो थोड़ी बड़ी एज थी, मतलब 10-11 साल का, तो यहाँ पे सब क्रिकेट में ट्रेंड थे, सब बच्चे 7-7, 6-6 साल के, और मैं सबसे निकम्मा था क्रिकेट में, तो मुझे बड़ी एम्बैरेसमेंट होती थी अपने स्कूल में, अपने दोस्तों में, कि यार मुझे सही से क्रिकेट नहीं आती, क्योंकि यहाँ पे हर एक को आती है। सो यू वर इन द ब्लड, इट्स इन द ब्लड, आई नो, सो वर यू लाइक सेल्फ टॉट ऑब्वियसली, बट आप में जो ये एक चाहत थी कि मैं यार ये कर जाऊंगा, या आपने सोचा था या ये बस हो गया मेहनत करते करते? ऐसा कभी सोचा नहीं था ऐसा, आई मीन इस लेवल पर तो पहुंचने का तो कभी सोचा ही नहीं था, लेकिन ये था कि स्पोर्ट्स एक ऐसी, अभी भी जहांगीर भाई से बात हो रही थी कि हम क्या देखते हैं टीवी पे, टीवी पे हम स्पोर्ट्स ही देखते हैं, आज तक स्पोर्ट्स देखते हैं शुरू से लेके आज तक, तो सारी स्पोर्ट्स मैंने, मेरे केस में मैंने सारी स्पोर्ट्स खेली, मैं आई वॉज एन एथलीट एट स्कूल, गुड एथलीट एट स्कूल, हाई जंप, लॉन्ग जंप, यू नो, स्प्रिंटर एंड ऑल दैट, यू कैन सी इन माई बॉलिंग ऑल्सो के जिस तरीके से मैं भागता था, तो वो उसने मुझे काफ़ी हेल्प किया। तो क्रिकेट जो थी वो ये, और जो फास्ट बॉलिंग जो थी ये आई मोर और लेस आफ्टर व्हेन आई वाज ऑलमोस्ट फिनिश माय स्कूल, लाइक ईयर 9-10 में, व्हेन यू 13-14, ठीक है, सही है, उस वक्त मुझे समझ आई कि यार ये मुझे ये करनी चाहिए। आई हैड कपल ऑफ कोचेज एट स्कूल जिन्होंने देखा और उन्होंने कहा कि यार छोड़ो बाकी स्पोर्ट्स, छोड़ो, फोकस ऑन दैट, ओके, and that's how I got into it. I come from a very small town, Vihari, ab kisi ne suna bhi nahi hoga, multan ke kareeb hai, multan ke kareeb hai, saraiki speaking, no, acha, it's not, it's just, no, saraiki is multan, multan and more like bhavalpur, okay. is ye belt zyada hai, theek hai, Vihari ka wo udhar us taraf chali jati hai, saiwal, fir okada, sahi, it's like punjabi speaking, theek hai, very punjabi, to itne sources to the nahi us waqt, isi tarike se cricket hamare pakistan mein ye hai ki हमेशा कहते हैं जी टैलेंट खत्म हो गया, टैलेंट खत्म हो गया, टैलेंट आता रहता है, टैलेंट इज ऑलवेज देयर, उसको जगह मिलेगी, ग्रूम होंगे, दैट्स हाउ यू गोना डेवलप देम। वी वर लकी
कि वी हैव द लव ऑफ द गेम, क्योंकि अभी भी बच्चों में है, बहुत दे लव करते हैं, लेकिन क्योंकि क्रिकेट इतनी एडवांस हो गई है, जैसे प्रॉब्ली स्क्वाश भी इतनी एडवांस हो गई है और इतना इसमें इतनी चीजें नई आ गई हैं, टेक्निकल और दूसरी तीसरी और यू नो फिटनेस और यू नो व्हाट यू ईट व्हाट यू डोंट ईट हाउ यू ट्रेन, सो मेनी थिंग्स हैव कम कि अब वो कंपीट करने के लिए यू नीड ऑल दैट. उस जमाने में शायद इतना नहीं था जस्ट प्योर हार्डवर्क चाहिए था, जो कि हमने किया, मैंने किया, लेकिन उस जमाने जैसे